सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल है उसका परिवार 1 लाख होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और दोस्तों आज हो गया है 11 दिसंबर वार सोमवार। मैं मौजूद हूं अलवर की प्याज की मंडी में और आप मेरे पीछे देख सकते हो क्योंकि दिन पर दिन लगातार जो प्याज की आमदनी है उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि जैसे ही जो निर्यात पर रोक लगाई है केंद्र सरकार ने उससे किसान चिंतित हैं, भयभीत हैं और अचानक से जो प्याज के भाव में गिरावट आई है उससे किसान दुखी भी है। तो देखते हैं आज अलवर की प्याज मंडी में क्या भाव रहने वाले हैं और किसी प्याज के व्यापारी से पूछते हैं कि आज आमदनी कितनी है, आने वाले दिनों में प्याज के भाव को लेकर क्या संभावना जताई जा रही है। मिलवाते हैं आपको किसी प्याज के व्यापारी से। जी एक अनुमान के हिसाब से जो अलवर की प्याज की मंडी है इसमें आमदनी कितनी है आज? आज आमदनी मानो आप 50-55 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के करीब पैकेट देखने को मिल रहे हैं। शैलेंद्र जी, भाव को लेकर किसान चिंतित है तो क्या संभावना जताई जा रही है आने वाले दिनों में, एक्सपोर्ट यदि खुलता है तो भाव को लेकर? देखो अभी निकट भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है एक्सपोर्ट खुलने की, क्योंकि जिस तरह की नीति गवर्नमेंट की चल रही है उस हिसाब से लगता है कि मार्च तक तो कोई खुलने की उम्मीद नहीं है। उस हिसाब से देखें तो भाव लानुमान जो है आपके यही रहेंगे जो कल खुला बाजार 800 साढ़े 800 नीचे 600 से लेकर 800 साढ़े 800। ठीक है, थैंक यू।